कोरबा में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 3 स्थान पर ड्राई रन कोरोना वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया। कोरबा शासकीय कन्या विद्यालय छुरीकला और कोरकोमा में ड्राई रन किया गया। 18 स्टाफ की मदद से टीकाकरण अभियान चलाया गया। ड्राई रन में एक एक सेंटर में 25 हेल्थ वर्करों का टीकाकरण का मॉकड्रिल किया गया। CMHO डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन प्रोटोकॉल के तहत ड्राई रन किया जा रहा है। इसमें एक एक सेंटर में 25 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को शामिल किया गया है। ड्राई रन जो हमारा हो रहा है, इसमें हमारे आज जो है, हम लोगों ने जो हमारा जो कोविन ऐप में हम लोगों ने जिन लोगों के नाम जो डाला, जिनके पास मैसेज गए हैं, 25 लोग हैं हमारे स्टाफ के लोग हैं जिन लोगों के फ्रंट लाइन वर्कर के उसमें हम लोग आज यहाँ पे ट्रायल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो लोग कर रहे हैं, जो 5 लोगों का जो टीम होता है, वैक्सीनेशन ऑफिसर होते हैं और वैक्सीनेटर होते हैं, वो लोग यहाँ पर रहेंगे और जो प्रोटोकॉल को हम लोग मानते हुए, ये जो आज जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वही है, रेल है। वैक्सीन आने के बाद जब हम लोग करेंगे तो किस प्रकार से जो प्रक्रिया होगी, लोग आएंगे, कोविड के प्रोटोकॉल को मानेंगे, डिस्टेंस, मास्क, ये सब चीज़ों को देखते हुए उन लोगों का आएगा जी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उनको वैक्सीन लगने के पहले एक दिन पहले उनके मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपको किस संस्था में वैक्सीनेशन कराने जाना है। जब वो उस संस्था में पहुंचते हैं, उस संस्था में उनका आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद जब वो वैक्सीनेशन लगा लेंगे, उसी वक्त उनके मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपका जो वैक्सीनेशन है वो सफलतापूर्वक कर लिया गया है। साथ ही साथ उसमें जो उनको नेक्स्ट डोज उनको कब आना है, कहाँ आना है, वो भी उसमें मैसेज में रहेगा। सबसे पहले जिसको कोरोना का टीका लगेगा उसके मोबाइल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार उसके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उनको बताए गए सेंटर पर आना होगा। पहले पूछताछ सूची में नाम का मिलान के बाद पंजीयन कर एक कार्ड दिया जाएगा। फिर वेटिंग हॉल में अपनी बारी का इंतजार के बाद वैक्सीन हॉल में जाना होगा, जहाँ एक बार फिर नाम मिलाने के बाद कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन लगने के बाद उस व्यक्ति को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन हॉल में निगरानी के लिए रखा जाएगा कि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही घर जाने दिया जाएगा। वैक्सीन आने पर कोरबा जिले में 45 जगह बनाए सेंटर में लगेगा कोरोना का टीका। पहले चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा कोरोना का टीका। पहले चरण में वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा 2827 लाभार्थी कोरोना वॉरियर्स शहरी क्षेत्र से हैं। इसके बाद पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड से 2161, पाली से 1677, कटघोरा से 1639, करतला से 1474 व कोरबा से 1215 वॉरियर शामिल हैं। सबसे अधिक 1519 लाभार्थी का वैक्सीनेशन शहर के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित कोरबा टाउन प्राइमरी स्कूल में होगा। ड्राई रन में कोरोना वैक्सीन लगाने आई स्वास्थ्य कार्यकर्ता संतोषी चंद्रा ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर कोरोना के लिए विशेष वैक्सीन अभियान का ड्राई रन है। इससे सभी हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। वैक्सीनेशन तो जैसे हम लोग फील्ड में करते ही हैं, लेकिन ये कुछ विशेष वैक्सीन है जिसको लेके पूरे भारत जो है अलर्ट है बोल दो। और इसके लिए व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है कि हितग्राही को किसी तरफ से अनकम्फर्ट फील ना हो, उसके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी उसके मन में इंक्वायरीज है, वो पूरा यहाँ सॉल्व होगा। जैसे स्टार्टिंग में पूछताछ केंद्र है, रजिस्ट्रेशन केंद्र है, उसके बाद उसका वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल के वैक्सीनेटर रूम में अगर जा रहे हैं, वैक्सीन लग रहे हैं, उसके बाद उसको रिलैक्स रूम में बैठा के आधा घंटे तक वेट कराना है, ताकि वैक्सीन का उसके ऊपर कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रिया तो नहीं है। अगर हो रही है तो भी हमारे पास उसकी पूरी व्यवस्था है कि उसके लिए कैसे हम हैंडल करें, जिसमें हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग से लेके नीचे कर्मचारी लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है। यानी इसमें हितग्राही को बिल्कुल ये नहीं है कि मैं अपने आप को किसी ऐसे जगह पे लेके आया हूँ जहाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ये सोच नहीं है। यानी पूरी तरह से हितग्राही सुरक्षित है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।